यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तुम दर्शक वाले हैं GT5। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि गाइस यहां पर पुलिस स्टेशन में गाइस एल रूबियो ने बहुत तगड़ा अटैक करवाया था। मतलब गाइस अटैक क्या, गाइस उसने पूरा का पूरा लॉस सेंटर का पुलिस स्टेशन है ना, उसके अंदर गाइस आग लगवा दी थी। बहुत ज्यादा खतरनाक सीन हो गया था। और मैं भाई यहां पर पानी में कैसे गिर गया यार, चलो छोड़ो। अब गाइस उसके बाद लेसर में से ये बोल रहा था, गाइस अभी जो ने एक बंदा है जो कि गाइस उसके सर्वर में जाके मतलब कुछ हैक करने की कोशिश कर रहा, और गाइस उसने जो है ना पूरा का पूरा उसका डाटा है वो भी चुरा लिया था। अब गाइस वो वही हैकर था, मतलब वो जो बंदा था ना वो गाइस एल रूबियो का अंडर में काम करता था। गाइस मैं उसको पकड़ के ले गया सीधे लेसर के पास, और वो जो बंदा है वो गाइस भी लेसर के पास ही है। देखते हैं गाइस जो लेसर है उससे क्या ही पता निकलवाना चाह रहा है। गाइस यहां पर लेसर का जितना भी डेटा था ना वो गाइस चोरी हो चुका है, हमारा तो चोरी हुआ है साथ के साथ गाइस लॉस सैंटोस का डेटा चोरी हो चुका है। गाइस ये जो बंदा था ना, ये जो हैकर था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो चलो गाइस यहां पर जो ना अपनी बाइक को हटाता हूं सीधे, गाइस अभी जो ना अपने नए वाले शोरूम के लिए निकल रहे हैं। आप लोगों को पता होगा गाइस यहां पर जो ना हमने जो नया वाला शोरूम खरीद लिया है, और ये जो बाइक है ना ये भाई जिमी की बाइक है। भाई यहां पर मैं जिमी की बाइक चला रहा हूं, क्योंकि अगर अपने पास भाई एक बाइक थी वो भी गाइस पता नहीं लमार ने कहां इधर उधर कर दिया है, तो कितनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाइस अपने पास अब शोरूम हो चुका है, तो गाड़ियां वाड़ियां आराम से इंपोर्ट इम्पोर्ट करा लेंगे। तो चलो गाइस यहां पर तुम्हारा भाई इस बाइक को भगाने वाला है। वैसे भाई ये जो बाइक है ना इतनी बुरी भी नहीं है यार, पता नहीं कौन सी ब्रांड की है। तो वैसे जिमी पता नहीं कहां कहां से लाता रहता है भाई, थोड़ा बहुत इसके पास ही पैसे रहता है भाई, गरीब तो ये भी नहीं यार, सीधी सी बात है। तो गाइस यहां पर तुम्हारा भाई बाइक को भगाते भगा सीधे गाइस पहुंचने वाले अपने शोरूम के अंदर। और गाइस आप लोग अपने शोरूम की मतलब बाहर से लुकिंग देखो, और इस बंदे को क्या हो गया था भाई, ये गाड़ी वाली मैडम जी अपना अभी ड्रिफ्ट मारने में लग रही हैं भाई, कुछ ज्यादा प्रोनेस नहीं दिखा रही हैं भाई, टोक्यो ड्रिफ्ट यहीं पर बना देंगे क्या। तो चलो गाइस यहाँ पर जो मैं अपने गैरेज के अंदर पहुंच चुका हूँ, अभी गाइस यहाँ पर जो ना आगे की तरफ काम वाम स्टार्ट करवाने वाला है भाई, मतलब कार को शो करने के लिए रखने के लिए गाइस एक जगह बनने वाली है आगे की तरफ। देखते गाइस भाई कब तक स्टार्ट करवाता है। बाकी आप लोग गाड़ियों मतलब भाई गैरेज पे नजर मारो भाई, कितना ज्यादा बड़ा है। और गाइस अगर मैं अंदाजे लगाऊं ना गाइस इस गैरेज के अंदर बहुत ज्यादा गाड़ी आ जाएंगी। यहाँ पर ऑलरेडी गाड़ियां खड़ी हैं, एक सेकंड, बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी जो है बेन ने इंपोर्ट करा लिया है भाई मेरे से बिना पूछे। तो चलो गाइस यहाँ पर जैसे आगे की तरफ निकलते हैं, बेनी अपना गाइस वही पगैनी गाड़ी को गाइस मॉडिफाई करने में लगा हुआ है, क्योंकि गाइस इस गैरेज के जो ओनर था ना वो ये बोल रहा था कि ये गाड़ी उसको चाहिए। और गाइस ये जो गाड़ी ना हम बलास गैंग के बेस से उठा के लाए थे, ये गाड़ी गाइस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और काफी ज्यादा महंगी भी है, इसलिए गाइस उस बंदे ने जो है ना ये वाली गाड़ी चुरवाई थी हमसे। बेनी से पूछता हूँ भाई क्यों बुला लिया भाई इतनी अर्जेंट में, अपना अच्छा वाला मैं घर पे भाई सो हो रहा था। तो गाइस यहाँ पर तुम्हारे भाई की बेनी से बात हो चुकी है। गाइस बेनी अभी ये बोल रहा है गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तुमको बस गाइस उसी बंदे को डिलीवर करनी है। ओ भाई आराम से, गाइस गाड़ी कितनी ज्यादा खतरनाक है। गाइस भाई मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए थी यार, मैं बेनी से बोलूंगा कि अगर ऐसी गाड़ी कहीं मिल रही होगी ना तो भाई जरूर से मेरे को बता दियो। बाकी तो एक सेकंड, ये गाड़ी भाई पूरे लॉस सैंटोस में एक ही है, और मुझे नहीं लग रहा गाइस ये जो लिबर्टी सिटी में भी मिल पाएगी। तो चलो गाइस यहाँ पर लेके चलते हैं। आप लोग गाड़ी की लुकिंग देखो कितनी तगड़ी है। और गाइस भाई सब, ओ भाई आराम से, भाई इस बंदे को देखो, अबे आराम से भाई तेरे सामने काट रहा हूँ मैं, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या भाई, उतर के मारूँ अगर थोड़ी सी स्क्रैचेस लग जाती ना, मैं सही बता रहा हूँ इसका नेता बनाता मैं यहाँ पर अभी। तो चलो गाइस यहाँ पर तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा बड़े तरीके से भगाने वाला है। और मैं सोच रहा हूँ गाइस इस गाड़ी को ना मैं एक बार ये सोच रहा था कि मैं बेनी से बोल के ये बोलता हूँ कि भाई साहब अब तो शोरूम अपना हो चुका है, तो गाइस उस बंदे को मारते गोली, और ये जो गाड़ी है ये हम ही रख लेते हैं। लेकिन भाई बेनी ने मना कर दिया, वो जो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, सोच भी नहीं सकते यार उसको गोली वोली मारेंगे। तो गाइस यहाँ पर तुम्हारा भाई पगैनी को भगाते वगैरह सीधे गाइस पहुंचने वाला, भाई साहब बच गया क्या, ओ भाई थोड़ी सी हल्की सी स्क्रैच आ चुकी है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, मैं दिखाने के चक्कर में पूरी गाड़ी की ऐसे ऐसी होने वाली थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। गाइस यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ, वो इसके पास तो ऑलरेडी गाइस इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मतलब भाई साहब ये तो गाइस कुछ ज्यादा ही अमीर बंदा लग रहा है। मैं इस गाड़ी को कहाँ लगाऊँ यार, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो चलो गाइस यहाँ पर गाड़ी को लगाते बड़े प्यार से, इसके पास गाइस पहले से इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, पता नहीं क्या ही सीन है भाई, अमीर बंदा लग रहा है भाई मेरे को। इसने जो है सिक्योरिटी गार्ड से अपने खड़े वड़े करवा रखे हैं। और भाई ये वाली गाड़ी कौन सी है भाई, चलो छोड़ो गाइस गाड़ी वाड़ी बाद में देंगे, अगर गाड़ी को देखने लगा तो भाई यहाँ पर काफी टाइम बीतने वाला है, सीधा अंदर की तरफ निकलते हैं। एक बार इसके सिक्योरिटी गार्ड से तो बात बात कर लेता हूँ। तो क्या यहाँ पर मैं इसके सिक्योरिटी गार्ड से बात हो चुकी है, ये बंदा बोल रहा है कि आगे की तरफ भी सर है, तुम हमारे सर से बात बात कर सकते हो। तो चलो गाइस यहाँ पर जो है ना ये रहा वो बंदा जिसका गाइस गैरेज था,
तो चलो गाइस यहाँ पर से जल्द से बात बात कर लेते हैं। और गाइस इसको ना मैं ऑनलाइन पेमेंट करने वाला हूँ, वो भी गाइस $300 मिलियन की, क्योंकि गाइस वो जो शोरूम था ना वो गाइस $600 मिलियन का था। लेकिन इस बंदे ने मेरे से ये कहा था कि अगर तुम ये वाली गाड़ी चुरा लोगे तो ये आधा कर देगा। भाई $300 मिलियन भी गाइस बहुत ही ज्यादा है, बट कोई नहीं गाइस यहाँ पर इसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गाइस यहाँ पर जो मेरे इस बंदे से बात हो चुकी है, गाइस इसको जो है ना मैंने $300 मिलियन की पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है। और गाइस इसको ये जो गाड़ी पूरी पसंद आ चुकी है यार, क्योंकि गाइस आएगी भी क्यों नहीं भाई, भाई इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव कार है और गाइस इसकी फेवरेट है। तो चलो गाइस, और गाइस ये बंदा बोल रहा है कि अगर तुमको घर जाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो वहाँ बाहर से ले सकते हो, लेकिन तुमको वापस करने आना पड़ेगा। भाई फिर फायदा क्या हुआ यार, सीधी सी बात, अगर मैं लेके जाऊँगा वापस भी करना हुआ, भाई कैसे दिमाग अकल वकल नहीं है किस बंदे के अंदर। भाई मैं इससे अच्छा भाई बाहर की तरफ से कोई गाड़ी वाड़ी उठा लूँ यार, गाड़ी उठाने की गाड़ी चुरा लूँ यार, किसी गाड़ी वाड़ी नहीं खड़ी है क्या। एक सेकंड थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं भाई, अपनी रेपुटेशन खराब हो जाएगी यार अगर इस घर के सामने गाड़ी वाड़ी चुराने लगे तो। अब भाई एक गाड़ी खड़ी तक नहीं है भाई, मुझे भाई किसी की छीननी पड़ेगी यार, सीधी सी बात है। ओ मैडम जी एक सेकंड रुक जाओ, मैडम जी आपकी गाड़ी चाहिए, जल्दी से छोड़ो, जल्दी से पहली फुर्सत में, दिखने मत यहाँ पर आसपास कहीं पे। तो चलो गाइस अभी जो ना मेरे पास लेसर कॉल आ चुके हैं, लेसर मेरे को तुरंत गाइस अपने बेस के अंदर बुला रहा है, बोल रहा है जल्द से जल्दी आ जाओ। बाकी गाइस यहाँ पर जो ना भाई पता नहीं क्यों बुला रहा है, और गाइस अंडर वाटर माफी तो गाइस मुंह खोलने के लिए राजी नहीं हो रहा है, ना ही गाइस हमको फ्रैंकलिन की लोकेशन पता चली है। पता नहीं फ्रैंकलिन और एल रूबियो और गाइस डगन बॉस का भाई, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या ही प्लानिंग बना रहे हैं। तो क्या जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गाइस यहाँ पर तुम्हारा भाई गाड़ी को बगाते बगाते सीधा गाइस अभी पहुंचने वाला है लेसर के पास में। और गाइस यहाँ पर देखने वाली बात है, लेसर पता नहीं किधर की तरफ ये, एक सेकंड मैं गलत वलत तो नहीं आ गया, नहीं गाइस बिल्कुल गलत नहीं आया, सीधा गाइस अभी अंदर की तरफ निकलते हैं। और इस बंदे को देखो भाई बीच रास्ते में गाइस अपनी गाड़ी को पता नहीं क्या ही करना चाह रहा है, आराम से लेट्स गो। यहाँ पर एक लेफ्ट की तरफ टर्न, और ये रहा गाइस लेसर का बेस, बड़े प्यार से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर जैसे अंदर की तरफ निकलते हैं, देखते हैं गाइस यहाँ पर लेसर क्यों बुला रहा है। और गाइस उन बंदों ने कुछ बताया नहीं बताया फ्रैंकलिन के बारे में और एल रूबियो के बारे में। यहाँ पर अंदर की तरफ चलते हैं जल्द से, सामने की तरफ भी गाइस एक इनविजिबल गेट बना रखा है लेसर ने, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला। लेट्स गो, तुम्हारे भाई गाइस यहाँ पर अंदर की तरफ आ चुका है, ये रहा लेसर और ये रहा वो बंदा। और गाइस अंडर वाटर माफिया को तो गाइस एक तरीके से बेहोश हो चुका है, बहुत दिनों से मतलब बेहोशी पड़ा हुआ, पता नहीं गाइस मरवर तो नहीं गया ना, पता नहीं लेसर ने गाइस इसको कौन सी मतलब डोज वोज दे दी है, भाई उठ ही नहीं रहा है। अबे लेसर इसने बताया नहीं बता तेरी ऐसी की तैसी, उठ 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 तेरी भैंस भाई, कुछ बताया नहीं बताया इस बंदे ने। तो गाइस सर आप लोग जो टोपी वाला बंदा देख पा रहे होगे ना, तो गाइस सर ये जो बंदा है ये गाइस सर एल रूबियो का सीक्रेट बॉडीगार्ड है, मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड। अब गाइस सर ये बंदा बोल रहा है मेरे से कि मैं तुमको सब कुछ सच सच बता दूंगा, बस तुम मेरे एक काम कर दो बेटा, मैं तेरे रैप्टर बजा दूंगा, तू मेरे से काम करवा रहा है, इतना बड़ा हो गया क्या। गाइस सर इस बंदे ने लेसर को कुछ नहीं बताया, लेसर ने गाइस सर इसे बहुत कुटाई कर लिया है। ये बंदा बोल रहा है गाइस सर इसका बिल्कुल मन नहीं है, वो भी गाइस सर मतलब एल रूबियो के अंडर में काम करना। अब गाइस यहाँ पर जो ना ये बहुत तगड़ा हैकर रह चुका है, और गाइस एल रूबियो इससे अपना फायदा उठा रहा है। गाइस इसका एक भाई है जो कि गाइस एल रूबियो ने किडनैप करके रख रखा है, ये बंदा बोल रहा है बस तुम मेरे भाई को रेस्क्यू करा के ला के दे दो। और गाइस ये बंदा सब कुछ बता देगा फ्रैंकली लोकेशन, और गाइस साथ के साथ डगन बॉस की भी, मतलब डगन बॉस के भाई की भी लोकेशन। गाइस इसने मेरे से यही डील रखी है, ये बंदा बोल रहा है मैं मर जाऊंगा लेकिन बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अब गाइस सर मैं क्या सोचूं यार, मैं गोली वोली बजा तो कैसे, मैं गोली बजाने कोई फायदा नहीं है। लेसर ने गाइस सर इसको जो है ना भाई इतना तगड़ा तक टॉर्चर कर रखा है। तो चलो गाइस यहाँ पर जो है सीधा निकलते हैं आगे की तरफ। मैंने लेसर को बता दिया कि भाई इसके भाई को रेस्क्यू कराने के बाद ना एक जगह पर मिल जाइयो, वहीं पर गाइस सर इसके भाई को मैं लेके आऊँगा। सीधा गाइस सर अभी बाहर की तरफ निकलता हूँ। और गाइस सर अभी जो एल रूबियो है ना, उसने गाइस सर इसके भाई को एक रेस्टोरेंट के अंदर बंद करके रख रखा है। पता नहीं रेस्टोरेंट के अंदर बंद, मैं मेरे को कुछ बात समझ नहीं आई है, गाइस एल रूबियो का कोई रेस्टोरेंट भी है क्या, पता नहीं क्या सीन है। तो चलो गाइस एक बार चल के देख लेते हैं, भाई ये एल रूबियो कुछ भी कर सकता है यार, इसके पास इतना पैसा है यार, मैं गलत आ गया क्या। ये लोग यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, एक तो भाई यहाँ पर बिल्कुल भी बेकार से रोड बना रखे, टायर वायर फटे फटे पड़े हैं। लेसर यार कैसी जगहों पर रोड मतलब बेस लेता है यार, बिल्कुल ही अंदर की तरफ। तो गाइस यहाँ पर तुम्हारा भाई गाड़ी को भगाते भगाते सीधे गाइस अभी जो ना उसी रेस्टोरेंट पहुंचने वाला है। अब गाइस मैं आप लोगों को ये बताना तो भूल ही गया था, गाइस उस बंदे का नाम सैम है जिसको गाइस मेरे को रेस्क्यू करना है, और यही वो रेस्टोरेंट बताया था। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये भाई कैसी जगह पर बना रखा है भाई, कितना अंडरग्राउंड बोल रहा हूँ, कितनी अजीब वगैरह जहाँ पर बना रखा है, मेरे को लग रहा है यहाँ पर कोई आता भी होगा। भाई कैसी जगह यार ये। चलो गाइस यहाँ पर अंदर की तरफ निकलते हैं। और तेरी भैंस की आँख भाई, क्या चेयर वेयर उछल रखी है यहाँ पर। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं अंदर की तरफ आ तो चुका हूँ, यहाँ पर बंदे लोग बैठे अपना खाना पीना कर रहे हैं। ओ सर साइड तो यार, बीच रोड में चौड़ में खड़ा हुआ ये बंदा, बेटा बजा दूँ 2 सेकंड के अंदर। पता नहीं गाइस यहाँ पर क्या सीन चल रहा है भाई, यार रेस्टोरेंट इतना सा है क्या,
भाई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है गजर, उस बंदे ने तो मेरे को यही लोकेशन बताई थी भाई, कोई गलत वलत तो नहीं आ गया यार? मैं पता नहीं क्या सीन है, यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं यार। पहले तो भाई बाहर की तरफ बंदे बंदे भी खड़े हुए हैं भाई यार। चलो गजर अंदर की तरफ जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि गजर उसने तो मेरे को यही लोकेशन बताई है। एक सेकेंड भाई कहाँ, एक सेकेंड गजर, आगे जाने का रास्ता तो दे रखा है, यहाँ पर स्टाफ ओनली लिखा हुआ है, और मैं गजर अभी स्टाफ का बंदा नहीं हूँ, यहाँ पर कोई पर्सनल बॉडीगार्ड भी नहीं खड़ा हुआ है। एक सेकेंड, ये क्या चीज़ है भाई, आई थिंक ये तो बाथरूम वाथरूम लग रहा है मेरे को। चलो छोड़ो, स्टाफ ओनली में चल के देते हैं, कोई है तो ना पीछे की तरफ? आई थिंक गजर सब जन अपना खाना खाने में लगे हुए हैं। ओ भाई साहब, यहाँ तो अंदर जाने का रास्ता दे रखा है भाई, और नीचे की तरफ तो गजर कोई गैंग वैंग के लोग हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, बंदे बंदे क्या करने में लग रहे हैं भाई? यहाँ पर तो ड्रम वरम रखे हुए हैं, और इनके अंदर का जब बियर ड्रिंक व्रिंक का सामान रखा हुआ, नशे वशे का पूरा। और भाई ये क्या क्या ले रहे हैं भाई, यहाँ पर भाई पुशअप सुशअप लगाए जा रहे हैं। तो गजर अपन लोग, भाई मैं नॉर्मल बिहेव करता हूँ, इनको ये पता ना लगे कि गजर यहाँ पर मैं बाहर का बंदा हूँ। चलो गजर यहाँ पर जो ना मेरे को सैम नाम का बंदा देख रहा है, किधर की तरफ है, मेरे को ऐसा अभी तक कोई बंदा नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड गजर, यहाँ पर नीचे की तरफ एक बंदा मार मूर के बैठा हुआ है, मेरे को यही सैम लग रहा है, क्योंकि सर और तो कोई ऐसा बंदा नहीं है। और गजर ये पूरे के पूरे जो बंदे नहीं, कैसे एल रूबियो का अंडर में काम करते हैं, और ये मतलब पूरे जो कैसीनो सा बना रखा है ना छोटा था, ये कैसे एल रूबियो का, ये जितना भी गजर पैसा जनरेट होता है गजर वो सारा एल रूबियो के पास जाता है। एक सेकेंड, मैं किससे पूछूं यार, ये जितने बंदे गजर एल रूबियो के अंडर में काम करते हैं, तो गजर इसी बंदे से पूछ लेता हूँ। तो गजर यहाँ पर मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है, और एक सेकेंड, और तेरी भैंस क्या, मैं उससे बात कर रहा हूँ और इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? एक सेकेंड, मुझे लग रहा है इसको पता वता तो नहीं चल गया ना। बेटा मैं निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। एक सेकंड, तेरी तो ऐसी की तैसी, मैं उससे बात कर रहा था ना, सब निकलो अब यहाँ से, इनको तो गजर यहाँ पे बताता, और तुम्हारी तो ऐसी कम तैसी, बोरे भाई बंदे अंटी वंटे सब निकलो, उनको देखो भाई कैसे पिछते चला रहा है। बेटा तू मारे हो क्या मेरे को? एक सेकंड, मुझे गजर लगा ही था ये जो लोग हैं भाई, मैं पिस्टल क्यों चला रहा हूँ यार, मेरे पास इतनी बढ़िया गन है, उसको देखो भाई पुशअप्स लगाने में अब तक लगा हुआ है। बेटा इतना बड़े हो क्या, मेरे को मारेगा? लेट्स गो, एक बंदा रहा, ये भी गजर फाइनली जा चुका है। बेटा इतना भूत बना दूंगा ना तुम्हारा। गजर यहाँ पर इस चाचा को देखो, ये बंदा भी जा चुका है। बेटा तू भी निकल यहाँ से, सबके सब गजर बंदे मारे जा चुके हैं। इन्होंने गजर मेरे को क्या लग रहा है हल्के में ले रखा था। गजर यही सैम नाम का बंदा है, गजर इसने अपना नाम मेरे को बता ही दिया था, पीछे की तरफ से ये बंदा है, और गजर इसने मेरे भाई क्या कुल्हाड़ी मारी है भाई, अब तक भाई कंधे पे दर्द हो रहा है। और क्या यहाँ पर जो सैम मेरे साथ चलने वाला है, और गजर ये जो है ना 2 महीनों से इसी कालकोठरी के अंदर बंद था। अब गजर पता नहीं ये जो लोग हैं इसको खाना दे भी रहे थे नहीं दे रहे थे, रात को गजर ये जो लोग चले आते हैं वो भी गजर इस बंदे को बंद करके, मतलब भाई साहब ये डगन, ये एल ड्रू भी है ना भाई, बंदों को मरवाना चाहता है। चलो गजर यहाँ पर बाहर तरफ निकलते हैं, और गजर यहाँ पर मैंने लेसर के पास कॉल कर दिया। लेसर गजर अभी जो ना किसी अलग लोकेशन पर आने वाला है, मतलब उसी बंदे को लेके, और वो जो बंदा अब गजर हमको फ्रैंक की लोकेशन, और गजर साथ के साथ गजर डगन बॉस के भाई की लोकेशन भी बताने वाला है। अब भाई जल्दी से आ जा भाई, एक सेकेंड। एक तो गजर पता नहीं कहाँ रह गया हुआ है भाई, वो बंदा आ भी रहा है नहीं आ रहा भाई, मरवर तो नहीं गया ना नीचे की तरफ? तो चलो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सो गजर ये बंदा भी आके बैठ रहा है। बेटा जल्दी से आके बैठ, इतना टाइम नहीं है, सीधे निकलते गजर भी लेसर की बताई जगह पर। लेसर गजर मेरे को मिलने के लिए बुला लिया, वो बंदा भी साथ के साथ ही आ रहा है। बेटा तू ठीक तो है ना भाई, 2-3 महीनों से गजर इसको जो है उसी के अंदर बंद कर रखा था, पता नहीं गजर खाना दे भी रहे थे नहीं दे रहे थे, वैसे भी गजर अपना कोई लगता नहीं है, लेकिन तब भी गजर इतना तो बनते बनते हेल्प करें तो बनती बनती है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सो गजर यहाँ पर तुम्हारा भाई गाड़ी को भगाते भगाते सीधे गजर जो है लेसर की बताई जगह पहुँच चुका है। और ये रहा लेसर भाई आराम से मौज मस्ती में बैठा हुआ भाई, और ये रहा दूसरा बंदा, मतलब गजर इसका भाई जो लाल टोपी में है। तो चलो गजर अबे बेटा जल्द से अब लोकेशन बता जल्दी से, तेरे भाई को मैंने जो है ना छुड़वा लिया है। गजर भाई इमोशनल कर दिया था भाई इसने मेरे को, भाई ये बोला था इसका भाई दुखी है, ये है वो है, तो कोई नहीं गजर इसका भाई मैंने बचा के लेकर आ चुका हूँ। लेसर बता भाई जल्दी आओ। तो गजर यहाँ पर जो मेरी लाल टोपी वाले से बात हो चुकी है, और गजर यहाँ पर लेसर से बात हो चुकी है। गजर जो अभी फ्रैंक की लोकेशन है ना, वो गजर एक अलग ही टापू पर है, मतलब गजर वो अलग ही अपना बेस बना कर रह रहे हैं। लेसर बोला ध्यान से जाना। गजर यहाँ पर जो ना मेरे साथ लेसर ब्लूटूथ से जुड़ चुका है। तो चलो गजर यहाँ पर जो ना सीधा निकलते हैं गजर अभी उसी के बेस में। और गजर लेसर ये बोला था कि जैसे तुम वहाँ पर जाओगे ना, तो गजर लेसर ने मेरे को चिप भी दे दिया है, तो गजर उस मेंशन में मेरे को एक चिप लगा देनी है, ताकि गजर कोई भी अगर एयर डिफेंस होती ना तो गजर वो डिसेबल हो जाएगी। मतलब भाई लेसर का दिमाग कुछ अलग ही चल रहा है। तो चलो गजर अभी हमको ये नहीं पता है गजर वहाँ पर एयर डिफेंस है भी या नहीं है, अभी कुछ भी नहीं पता है, अभी चल के देखते हैं। और यहाँ पर मैं ट्रैवर के पास भी कॉल कर देता हूँ, अगर गजर यहाँ पर ट्रैवर फ्री होगा तो वो हमारे साथ चल लेगा आराम से। तो गजर यहाँ पर तुम्हारा भाई गाड़ी को भगाते भगाते सीधे गजर पहुँचने वाला है फ्रैंक के पास। और गजर आप लोग जो राइट की तरफ देख पा रहे हो, छोटा सा टापू,
गजर इन्होंने अपना बेस भी वहीं पर बना रखा है। एक सेकेंड, अपनी गाड़ियों में कहाँ पर लेके जाऊँ यार? भाई बीच में तो पानी यार, सीधी सी बात है। और गजर यहाँ पर जो ट्रैवर भी गजर हमारे साथ आ चुका है। ट्रैवर क्या हाल चाल है भाई? और लोग गजर नीचे की तरफ भागे, मेरे को एक बोट भी दिख चुकी है। एक सेकेंड आराम से भाई, ये टक्कर पहले होनी थी यार। तो चलो गजर यहाँ पर तुम्हारे भाई ने गाड़ी को जो है बहुत ज़्यादा बड़ी तरह से रोक दिया है। ट्रैवर जल्द से बोट को ऊपर आकर बैठ भाई, इतना टाइम नहीं है। ट्रैवर को गजर मैंने यहाँ पर सारी सारी बातें बता दी। ट्रैवर ये बोल रहा है जो फ्रैंक का बच्चा है ना, ये मर जाएगा हमसे, और कुछ नहीं है। अबे आराम से थोड़ा सा बूस्ट लगाते गजर, आराम से बड़े प्यार से गजर यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बूस्ट लगाने के बाद हम बहुत ही बड़े तरह से पहुँचने वाले हैं। और आगे की तरफ गजर पुलिस, ये पुलिस नहीं है, ये गजर डगन बोस के भाई के चेले घूम रहे हैं। ओ आराम से मैं थोड़ा दूर कर लेता हूँ उनसे, क्या पता भाई ये जो है ना भाई हमारा पीछे पीछे ना करने लगे। और गजर यहाँ पर पूरे चक्कर लगा रहे हैं। और भाई साहब गजर आप लोग घर इसका बेस देखो भाई, पूरा पानी के ऊपर तैर रखा है और कितना ज़्यादा बड़ा बना रखा है भाई। मोड़ो क्या पता भाई किसी की नज़र लग गई ना, नज़र चली गई ना हमारे ऊपर, सीधी सी बात है पीछे से स्नैप का शॉट पड़ेगा जैसे उस दिन मारता भाई मेरे कंधे पर। और गजर क्या गंदा शॉट था। एक से ओ तुम्हारी ऐसी जैसे भाई सब बिल्कुल अड़ाते हुए ला रहा है। अच्छा गजर आप जो मैं टर्न वन मार के पहुंच तो चुका हूँ। गजर यहाँ पर तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा बड़ी तरह से जो ना ब्रेक लगा लिया। अबे चढ़ जा भैया कैसे करेगी, लेट्स गो। तुम्हारे भाई ने गजर आप जो ना बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बोट को चढ़ा दिया है। आ जा ट्रैवल जल्द से आ जा। और गजर ये जो आप लोग पूरा बेस देख पा रहे, ये उन्हीं का बेस है भाई। तुम्हारी ऐसी की तैसी, बंदे बंदे तो नहीं है ना? आई थिंक बंदे तो मेरे को अभी तो कोई भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं यार बाहर तरफ बंदे बंदे खड़े हुए हैं। और भाई इसके अंदर फ्रैंक भी हो सकता है, इसी के अंदर बताया था उसने। और गजर मैं जो ना बिल्कुल भी देखने नहीं वाला। गजर अब जो ना फ्रैंक भाग नहीं पाएगा, सीधी सी बात है ट्रैवर को मैंने बोल दिया ट्रैवर तो बाहर तरफ वेट कर, अगर तेरे कोई बाहर जाता हो दिखे ना RPG चला दियो, आज मैं तेरे को खुली छूट दे रहा हूँ, कुछ भी हो जाए। यहाँ पर अपनी स्नैपर का शॉट मतलब स्नैपर निकालता हूँ, लेट्स गो। 3 2 बाय बाय ब्रो। और तेरी भैंस क्या, एक को मारा है और दूसरा बाद में गिर गया भाई साहब, मैं क्या चूरन से लो। एक सेकंड गजर यहाँ पर आगे तरफ निकलता हूँ जल्द से। ओ गजर यहाँ पर मेरे को गोलियां पड़नी स्टार्ट हो चुकी हैं, कोई ना कोई तो तुम्हारी कैसी कैसे निकल यहाँ से, लेट्स गो। गजर एक बंदे को मैंने मार दिया, ट्रैवर तो संभाल लियो बाहर तरफ। यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलते हैं जल्दी से। ओ भाई एक सेकंड बेटा निकल यहाँ से, ये बंदा भी जा चुका है। बेटा इतने भूत बना दूँ ना रख रख के, लेट्स गो। तुम्हारा भाई गजर यहाँ पर अंदर की तरफ आ चुका हूँ भाई, अनंत गोलियां पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। पीछे की तरफ बंदा था, ये भी गजर मार जा चुका है। फोड़ो भाई जितने भी हैं। बेटा डगन बोस के भाई आज तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। अबे फ्रैंक कहाँ छुप रहा है, बाहर की तरफ निकल जा। एक सेकंड कोई गोली चला रहा है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। ओ नीचे की तरफ, ओ तो एक सेकंड नीचे की तरफ बंदा गजर यहाँ पर, मेरी एमिंग नहीं जा रही है। नहीं मरेगा नहीं, आई थिंक वो नहीं मरेगा भाई, बीच में जो ये अड़ रहा है। तो चलो गजर यहाँ पर जो पूरा खाली पड़ा हुआ ये इलाका। ओ ये बंदे कहाँ पर है भाई, मेरे को अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। और गजर यहाँ पर इतने फ्लोर्स बना रखे ना, बस क्या ही बताऊँ। तेरी ऐसी तैसी निकल यहाँ से भाई, इतनी देर से चलाया जा रहा है भाई। अगर मैं कुछ बोल ही रहा हूँ तो ये तो गलत बात है ना। वो बंदा देखो कहाँ पर छुप रहा है, मेरे को यहीं से दिख चुका है। इसको तो गजर यहाँ पर मैं स्नैपर का शॉट मारने वाला हूँ। यार ये तो मर चुका है यार, फालतू में यहाँ पर इसने अपनी स्नैपर का एक बेकार में बुलेट खा ली। तो चलो गजर यहाँ पर तुम्हारा भाई नीचे की तरफ निकलता है। और मैं क्या सोच रहा हूँ इनकी जो है ना मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा यार। रुको तो सही, एक सेकंड यहाँ पर कोई नहीं है क्या ये? अबे खत्म हो गया क्या, बस इतना ही है क्या? पता नहीं कैसे कैसे बेस इन्होंने बना रखा है। नीचे की तरफ चल गए थे जल्दी से। ओ भाई नीचे की तरफ भी कुछ नहीं है भाई, जाने का रास्ता किधर की तरफ है भाई? ट्रैवर तो बाहर तरफ ही रहा यार, मुझे क्या लग रहा है इधर ऊपर की तरफ भाई लिफ्ट थी और मैंने भाई देखा नहीं यार, मेरा ध्यान ही नहीं गया था। आई थिंक मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो चलो एक सेकंड भाई क्या अड़ रहा है यार, आगे तरफ गए आई थिंक लिफ्ट थी और ये रही भाई लिफ्ट। मैं भाई पूरे में छान मारा हूँ। तो चलो गए यहाँ पर तुम्हारा भाई जो है लिफ्ट से नीचे की तरफ आ चुका और मेरे आंखों के सामने एक बंदा एक सेकंड और भी कोई, ये क्या भाई कंटिन्यूसली मेरे ऊपर गोली चलनी स्टार्ट हो चुकी है। अब ट्रैवर भाई मैंने तेरे को बाहर किस लिए खड़ा कर रखा है यार, भाई कोई हेल्प कर यार, तू तो यार मेरे को मरने के लिए दे रहा है, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है। फोड़ो भाई जितने भी कंप्यूटर पड़े हैं, आज भाई इनका पूरा जो बेस है वही तबाह कर दिया जाएगा। एक सेकंड भाई पूरा बहुत मजे से टीवी देख रहे हैं ये लोग, आज गए इनका जो है टीवी निकाला जाएगा अच्छी तरीके से। ये बंदे भाई साहब बहुत देर से ना कुछ बोले जा रहे हैं इनको, गए यहाँ पर जो पहले मैं सूदता हूँ नीचे की तरफ जाके, किधर की तरफ हो ये बहुत देर से ही बोले जा रहे हैं। एक सेकंड यहाँ पर मैं बेटा नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ये ओ भाई निकल यहाँ से। अच्छा बेटा निकल इसको, गए अभी मैंने इतने शॉट मारे लेकिन भाई पूरी गोली खा गई। ओ भाई तीन बंदे भर रखे थे भाई साहब, अबे क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? गजर यहाँ पर मैंने पूरा घर छान मारा है, गजर एक बंदा हो रहा है भाई, गोली तो चल रही है लेकिन मेरे को कहीं देख नहीं रहा है भाई, बाहर की तरफ नीचे की तरफ बंदे बंदे बिछ रखे हैं भाई गजर क्या हालत। एक सेकंड एक बंदा हो रहा है, बेटा कहाँ छुप छुप के निकल रहे हैं भाई ये बंदे। ओ लेट्स गो, ये बंदा भी गजर फाइनली जा चुका है।
गजर ओट बंद है भाई, मैंने पूरा घर छान मारा है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा और कोई नहीं यार। तो गजर यहाँ पर मेरी लेसर से बात हो चुकी है, अब गजर लेसर तो ये बोल रहा है कि बाहर की तरफ गजर इनका एक बेस है, बाहर की तरफ मैंने ध्यान तो नहीं दिया। एक सीन गजर यहाँ पर लिफ्ट किधर की तरफ है, लिफ्ट एरी गजर जल से बाहर तरफ चल कर देते हैं और जैसे ये लोग कहाँ पर जाने की बता रहे हैं। तो चलो गजर यहाँ पर तुम्हारा भाई जो है लिफ्ट से ऊपर की तरफ आ तो चुका है। भाई बाहर की तरफ क्या है भाई, लेसर ने गजर यहाँ के जितने भी सीसीटीवी उनको हैक कर लिया है, बाहर की तरफ मेरे को अभी तक कोई भी कुछ भी चीज नहीं दिख रही है, मेरे को तो गजर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। और गजर आगे की तरफ एक ये क्या है भाई, ये तो गजर किसी टाइप का मेरे को बंकर सा लग रहा है। एक सेकेंड गजर इसके अंदर जल्द चल कर देखना पड़ेगा, और ये बंकर तो ओपन हो रखा है भाई। ओ भाई आराम से। तो क्या जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर भागते इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है ना, पता नहीं गजर ये बंकर भाई पता नहीं कैसी अजीबोगरीब जगह पर मैं आ चुका हूँ। आप लोग ऊपर की तरफ चट्टान देखो भाई, अगर ये गिर जाते हैं मेरे ऊपर भाई मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। चलो गजर यहाँ पर अंदर की तरफ निकलते हैं, और यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है ना भाई, यहाँ पर मेरे को कुछ ना कुछ तो गजर गलत सीन लग रहा है। एक सेकेंड आगे की तरफ भाई कोई भी बंदा मेरे को यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं यार, भाई क्या चीज़ है भाई, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गन्स वंस के क्रेट व्रेट रखे हुए हैं यहाँ पर। एक सेकंड अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो सीधी सी बात है यहाँ पर फ्रैंक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो अपने साथ इतनी सिक्योरिटी रखता है सीधी सी बात है। यहाँ पर एक लड़की है जो कि गजर कुछ करने में लग रही है, आई थिंक सर्वर वर्वर का सीन। भाई मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अगर गजर इसने यहाँ पर चिल्ला विल्ला दिया ना तो सीधी सी बात है बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं गजर इसको जो है यहाँ पर ढेर करने वाला हूँ। मैडम जी सॉरी, मेरे को आपको बेहोश करना पड़ेगा। ओ निकल यहाँ से भाई, चक्कू मैंने किसने निकालता भाई, लेट्स गो। गजर इसके चिल्लाने से पहले गजर यहाँ पर जो है मैंने इसमें दो तीन चक्कू भर दिए, अभी मरी नहीं है बेहोश हुई है। तो चलो गजर यहाँ पर जो ना जल से देखते हैं ये जो बेस है किसका बेस है। ओ भाई साहब ये क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर तो गजर काफ़ी ज़्यादा क्रेट्स व्रेट्स भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये लॉक वॉक लगा रखा है क्या भाई। यहाँ पर ये मुझे क्या लग रहा है कि एल रूबियो ने ना भाई कुछ अलग ही सीन कर रखा है अंदर की तरफ, पता नहीं गजर क्या हो सकता है। और यहाँ पर भाई कुछ भी हो सकता है, क्या पता फटफट न जाए, और क्या पता यहाँ पर सीसीटीवी लग रहे हैं उनके सबकी चाल और प्लानिंग हो मेरे को यहाँ पर बुलाने की। एक सेकेंड आगे की तरफ भाई मैंने चेक तो नहीं किया है, और ये तो ये दोबारा से क्रेडिट वेडिट रखे हुए, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे तो चल के देखते हैं, और सीन यहाँ पर कहते ये क्या सीन है भाई, यहाँ पर तो कहते ओ भाई साहब यहाँ पर तो गजर कितना तगड़ा गन्स वंस की एमओ रखी हुई है, और एक से एक सामान रखा हुआ भाई, मतलब बंदे को ख़त्म करने के लिए। गजर आगे तो नहीं, ओ भाई ये तो फ्रैंकलिन है, यहाँ पर क्या कर रहा है, और अकेला है और इसको कुछ पता ही नहीं है। गजर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, फ्रैंकलिन बेटा गजर रुको, मैं इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मारने वाला, इसको आराम से प्यार से मारेंगे, इसको दौड़ने देते पहले। बेटा तू आज दौड़ तू इसकी, अच्छा बेटा मेरे से लड़ेगा क्या इसकी, तो ऐसी बेटा इधर देख के बात कर, किधर देख के बात कर रहा है, लेट्स गो। दो तीन शॉट और बंदा बेहोश, बेटा उठ 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 गजर आज, अबे फ्रैंकलिन मेरे को मारेगा, मतलब दोस्ती तोड़ रहा है, दोस्त तो बहुत दिनों पहले टूट चुकी थी। बेटा इधर 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 गजर तेरी तो ऐसी की तैसी, बेटा इतने घुसंड मारो ना फ्रैंकलिन, बेटा मान जा आराम से, मैं प्यार से बात करूँ, अब भी टाइम है, मान जा भाई मान जा। अबे तेरे कौन सी घुट्टी पिला दिया भाई इन्होंने, उनकी कुछ ज्यादा बात नहीं मान रहा तू, बेटा फ्रैंकलिन आराम से मान जा, मुझे पक्का पता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। गजर आज जो है ना मैं गजर इसको इतनी बुरी तरह मारने वाला हूँ। गजर यहाँ पर मैंने सबके पास कॉल कर दिया है, ट्रैवर भी यहाँ पर आता होगा, और ट्रैवर जब आएगा ना इसका तो तब भूत बनेगा, ट्रैवर को आने दो भाई यहाँ पर, इतनी तो ऐसी की तैसी। फ्रैंकलिन रुक जा बेटा, कट तो बहुत ज्यादा बड़े मार रहा है, मैं हथियार से नहीं मारना चाहता फ्रैंकलिन तेरे को, तू मर मुरा जाएगा, मैं सोच रहा तेरी ऐसी की तैसी मारू, फ्रैंकलिन तू नहीं बचेगा, तेरी भैंस क्या मेरे को। गजर यहाँ पर जो ना ये बेहोश हो चुका है, फाइनली यहाँ पर ट्रैवर भी आता होगा, और गजर अब जो है इसका भूत बनाने वाला है। गजर आप लोगों मेरे को बताना गजर यहाँ पर फ्रैंकलिन के साथ क्या करना चाहिए। फाइनली गजर ये अपने चंगुल में आ चुका है, और भाई कैसी अजीबो गरीब जगह पर भाई ये अपना बेस बना रखा है भाई, नीचे की तरफ पानी बह रहा है, मैं चाहूँ तो इसको फेंक वैक दूँ क्या भाई, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। चलो छोड़ो गजर यहाँ पर जो है ट्रैवल को आने देते हैं, और आप लोग मेरे को बताना गजर यहाँ पर जो फ्रैंकलिन है इसका खात्मा यहीं कर दूँ, आरपीजी मेरे हाथ में, आप लोग बता दो बस एक बार, आप लोग एक बार हाँ बोलोगे ना भाई यहाँ पर इसका खात्मा कर दिया जाएगा, या गजर इसको एक मौका देना चाहिए, यह सब पूछना चाहिए कि मतलब ये काम क्यों कर रहा है, किसके अंडर में कर रहा है, और ये तो पता हमको किसके अंडर में कर रहा है लेकिन क्यों कर रहा है, तुझको ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलो गजर आई थिंक आज के वीडियो के लिए बस इतना, रोको चलो अच्छे लगे कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब लेना, मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.